गुड इवनिंग फ्रेंड्स आई विल लर्न फ्रेंच लैंग्वेज थ्रू हिंदी। जैसा कि आपको पता है ये इंग्लिश में लिखी जाती है, इंग्लिश अल्फाबेट से लिखी जाती है, इंग्लिश अल्फाबेट से सीखनी पड़ती है। तो इसमें जो 26 इंग्लिश अल्फाबेट है उनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे पहले अपन जो 26 अल्फाबेट है इंग्लिश के, वो अपन शुरू से ही LKG UKG से सीखते हैं। ये 26 हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसको अपन इंग्लिश में इस तरह पढ़ते हैं, किंतु इसका फ्रेंच में जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बिल्कुल अलग है। ए को आ पढ़ेंगे, बी को बे पढ़ेंगे, सी को से, डी को दे, ई को इत, एफ को एफ, जी को जे, एच को आश, आई को ए, जे को जी, के का, एल एल, एम एम, एन एन, ओ ओ, पी पे, क्यू क्यू, आर आर, एस एस, टे टे, यू यू, बी बे, डब्लू डबल वे, एक्स एक्स, वाई ईग्रेक, जेड जेड। ठीक है, इसको अपन एक बार और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं। इसको आप देखिएगा, ए आ, बी बे, सी से, डी ते, ई ए, एफ एफ, जी जे, आश आश, ई ई, जे जी, के का, एल एल, एम एम, एन एन, ओ ओ, पी पे, क्यू क्यू, आर आग, एस एस, टी टे, यू यू, बे बे, डबल वे डब्लू डबल वे, एक्स एक्स, वाई ईग्रेक, जेड जेड। जैसे कि आपने देखा कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में काफी मतलब वो है, तो इस तरह ही अपन देखेंगे कि कुछ इंग्लिश के कुछ इंग्लिश के स्पेलिंग्स हैं, इंग्लिश स्पेलिंग्स हैं जो कि उसी तरह लिखी जाती हैं जैसे जैसे ए आर टी। इसको अपन इंग्लिश में आर्ट पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में आर्ट पढ़ते हैं, लेकिन फ्रेंच में उच्चारण इसका है आग आग। अब आप देखिए आग कैसे है, आ और ये रा आर आग, ये है आग। ठीक है, ये आग है। ऐसे ही वी आर ए वी ई, इसको अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं ब्रेव, इसको अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं ब्रेव। तो इसको अपन पढ़ेंगे वा गा हो, वागा। इसके बाद एक स्पेलिंग है कॉन डी आई टी आई ओ एन, कंडीशन, कंडीशन को पढ़ेंगे अपन कॉन डी सीओ, कॉन डी सीओ, कॉन डी सीओ। ऐसे ही है, इसमें अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे अपन
अपांगता, अपांगता, इसमें क्या है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश की तरह नहीं, इसमें पढ़ेंगे अपांगता, इम्पांगता, इम्पांगता, इसको पढ़ेंगे अपन इम्पांगता, यानी पी ओ आर टी एन टी, तो इसको ता तक पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ते हैं, इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं इसमें, तो इम्पांगता। फिर है अपना ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज को करेंगे अपन ओ गा जी, ओगास पढ़ेंगे, ओगास पढ़ेंगे, ओ आपको मालूम है ओ ये रा और गास, ओगास, आर को आ, आ, आगा और ये जा, आगास, ओगास हो गया, ओगास हो गया। ऐसे ही एक शब्द है जी यू आई डी ई, गाइड, गाइड मीन्स बात होता पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, इसको पढ़ेंगे अपन गीद, गीद। एक शब्द है अपना आर ए डी आई ओ, रेडियो, रेडियो आपने सबने देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत पुराने उसमें रेडियो, रेडियो को पढ़ेंगे अपन गा दी यो, गादियो, गादियो, रेडियो, गादियो पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एक, इसके रेडियो, इसके बाद आता है एस टी ए टी आई ओ एन, एस टी ए टी आई ओ एन, स्टेशन, तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। और आगे और भी जो है, इनके क्या है कि स्पेलिंग इसकी चेंज नहीं होगी, जो इंग्लिश अपन स्पेलिंग लिखी है ये स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, केवल स्पेलिंग ऐसे ही लिखी जाएगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज हो जाएगा। जैसे ए आर टी आर्ट, आर्ट को पढ़ेंगे आग फ्रेंच के अंदर, ब्रेव बी आर ए वी ब्रेव, ब्रेव को भागा पढ़ेंगे, कंडीशन सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, कंडीशन, कंडीशन को पढ़ेंगे कॉन्डिशियो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट को पढ़ेंगे इम्पांक्ता, ऑरेंज, ऑरेंज को पढ़ेंगे ओगाज, जी ओ आई डी गाइड, गाइड को पढ़ेंगे गीत, रेडियो, रेडियो को पढ़ेंगे गाडियो। थैंक यू वेरी मच, ये आपका फर्स्ट लेसन है फ्रेंच का, यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन सर्विंग क्लासेस, थैंक यू वेरी मच, ओके। Thank you.